दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। इस बीच लाल किले पर 15 अगस्त को होने वाले मुख्य कार्यक्रम से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल आयोजित की गई। इस दौरान अलग अलग फोर्स के जवान परेड में शामिल हुए और फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान लाल किले और आसपास के इलाकों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी न हो, इसके लिए रास्तों पर ट्रैफिक को डाइवर्ट भी किया गया है। तो लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल हुई है, रास्तों को डाइवर्ट किया गया है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और स्वतंत्रता दिवस से पहले की ये तस्वीरें। फुल ड्रेस रिहर्सल होती है एक दिन पहले। स्वतंत्रता दिवस से पहले देश भर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस बीच देश की सीमाओं से लेकर राज्य की सीमाओं में भी कड़ी सुरक्षा देखने को मिल रही है। मुख्य समारोह दिल्ली में आयोजित होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरंगा फहराकर देश को संबोधित करेंगे और मुख्य समारोह को देखते हुए राजधानी दिल्ली में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अगर लाल किले की सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो इस रूट पर दिल्ली पुलिस के 10,000 से ज़्यादा जवान तैनात रहेंगे और सुरक्षा को देखते हुए 1,000 CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं और इसके जरिए आने जाने वाले हर किसी संदिग्ध पर नज़र रखी जा रही है। और इसके अलावा बड़ी संख्या में जवानों को भी अत्याधुनिक हथियारों के साथ रूफटॉप पर भी तैनात किया गया है और साथ ही एंटी स्क्रीनिंग सिस्टम, एंटी ड्रोन, एंटी एयरक्राफ्ट को भी तैनात किया गया है।